खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को क्योंकि नाथ को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है पंजाब की सौगात, और पंजाब में इसको बहुत ही पजीराई हासिल है और सब लोग को बहुत पसंद करते हैं। तो इसकी पसंदीदगी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि आज क्यों ना इसकी रेसिपी को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि हम लोग पंजाबी हैं और पंजाबी बहन भाइयों को ये बहुत पसंद है। इनफैक्ट पंजाब ही नहीं, बाकी सब लोगों को भी ये बहुत पसंद है। और ये क्या है, इसकी तरकीब क्या है, ये क्या बनाने जा रही हैं, ये हम जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा, हम लोग क्या बना रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल मेरे बहन भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम बना रहे हैं मिसी रोटियाँ। हम लोग तो मिसी रोटियाँ कहते हैं, कई लोग बेसन की रोटी कह देते हैं। ये मैंने एक कटोरी बेसन लिया, दो कटोरी आटे की, ठीक है। इसमें अनारदाना डाला, बाकी मसाले मैं आपको दिखाती हूँ। आधा चम्मच पीसी हुई मिर्च, एक चम्मच भर के सूखे धनिए का, सूखा धनिया बहुत अच्छा लगता है इसमें, थोड़ा सा और डाल देती हूँ मैं, ठीक है। ये सूखी मेथी, इसको सूरी मेथी भी कहा जाता है, सूरी मेथी, ये भी एक चम्मच मैंने भर के डाल दिया, ठीक है। बाकी मिर्ची आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं कम ज़्यादा, ठीक है। ये थोड़ी सी दरदरी मिर्च भी डाल देती हूँ, अच्छी लगेगा, ठीक है। तो मतलब ये रोटी हम तैयार कर रहे हैं, इसको कहा जाता है मिसी रोटी, बेसन वाली रोटी भी। हाँ जी, बेसन वाली रोटी भी, शायद तो आपने किसी ने खाई भी हो, मतलब जो पंजाब के रहने वाले उन्होंने तो बिल्कुल खाई होगी। हाँ जी, थोड़ा सा और नमक डाल देती हूँ, ठीक है। ये डाल दिया मैंने, अच्छा सब चीज़ें डाल दी मैंने अब इसमें। तो ये प्याज, प्याज मैं कुछ ज़्यादा ही डाल रही हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं प्याज। तो ये ना इसमें हरा धनिया, तो हरी मिर्चें भी मैंने बारीक बारीक काटी हैं। अब ये मैं सब चीज़ें डाल के ना मिक्स करके ना आटा गूंदूंगी, मतलब हम लोगों ने इसका आटा गूंदना है अब। हाँ जी, जैसे आम नॉर्मल आटा नहीं गूंदते अपने घर में, पानी के साथ ही। हाँ जी, पानी के साथ ही ये मैंने मिक्स कर दिया आपके सामने। अब मैं आटा गूंद लेती हूँ। तो ये पानी हम लोगों ने रखा हुआ, पानी के साथ पहले आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि वो तमाम सारी चीज़ें हम लोगों ने शामिल की हैं अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर साथ ही हम लोगों ने जो पानी डाल के एज यूजल हम लोग जैसे अपने घरों में अमूमन डेली बेसिस पे आटा गूंदते हैं, वही आटा हम लोगों ने गूंदना शुरू कर दिया। हाँ जी, वो तो जब हम बनाएंगे ना तो फिर ये देसी घी में ज़्यादा पकती हैं, चलो नहीं है तो डालडे में भी बना सकते हैं। मेरे पास मक्खन भी है और फिर मैं लस्सी भी बनाऊंगी साथ इसके, वो मैं दिखाऊंगी। देसी घी में अगर पकाना होगा परौंठे देसी घी में पका लूँगी, फिर मक्खन ऊपर लगा के ना, मक्खन देसी रोटी पका के, सादी रोटी पर भी डाल के मक्खन खा लेते हैं। तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी ये पकाया का, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी तैयार होने वाली है, मज़ेदार सी जो सी मिस्सी बेसन वाली रोटियाँ हम लोग तैयार करने जा रहे हैं आज आप लोगों के सामने। तो व्यूवर्स, आई होप कि आप लोगों को ये जो उनसे यूनिक सी और इजी जो उनसे रेसिपी पसंद आएगी, पसंद आए तो अपनी फीडबैक जरूर दें। तो व्यूवर्स, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी आज की वीडियो को पूरा देखना है, मज़ेदार से जो उनसे पंजाबी। ये देखिए इसका कलर भी, आटे का कलर भी देखो ना बदल गया, क्योंकि बेसन हम लोगों ने ऐड किया था इसके अंदर, तो वो भी मतलब उसका कलर भी आ रहा है, मिर्च भी है, मसाला भी है, रोटी भी तैयार करेंगे, लस्सी भी बनाएंगे, तो बहुत ही मज़ेदार देसी नाश्ता। अगर आपने मसाला ज़्यादा कम करना है वो अपनी मर्जी से, आप मतलब वो मकदार पर डिपेंड करता है कि आपने कितना आटा लिया है या कितना आप लोग मतलब रोटियाँ बनाना रेफ्रिजरेटर में, और उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी वीडियो को पूरा देखना है और देखना मजेदार से जो सी मिसी रोटियां हैं वो कैसे तैयार होंगी। आज ये मैंने पेड़े निकाल लिए, अब मैं रोटियां बना के आपको दिखाती हूँ। मैंने पीड़े कर लिए, अब मैं रोटी बनाती हूँ। ये अगर आटा मिसा आटा गूंद के ना तंदूर भी भेजो तो वो भी लगा देती हैं रोटियाँ। एक और तरीके से भी बनती है ऊपर बेसन लगा के, वो भी मैं ना किसी को किसी दिन आपको ना सिखाऊंगी वो वाली रोटियाँ भी। चलिए आप उधर आ जाओ बेटा, अगर चाहे तो इसको देसी घी में भी बना सकते हैं कि नहीं? हर चीज़ देसी घी में भी, तेल में भी, मैं भी देसी घी में ही बना रही हूँ। मतलब तो, वो लोग जो मतलब देसी घी यूज़ नहीं करते तो वो लोग ना अपना तेल अगर इस्तेमाल करते, तेल में बना लें आप, मक्खन में भी बन जाती हैं।
जैसे आपका दिल चाहता है। तो खुशबू भी आना शुरू हो गई है। हाँ जी, पकने की ना, तो आप देखिए इसके अंदर मतलब हल्का का जो कलर है वो भी इसका चेंज होना शुरू हो गया है, और जो उससे खुशबू है वो भी आना शुरू हो गई है, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार से बहुत से इंग्रेडिएंट्स हम लोगों ने शामिल किए हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो को पूरा देखा होगा तो आप लोगों को आइडिया होगा कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर शामिल की हैं। बहुत ही मज़ेदार से खुशबू आ रही है, पंजाब का स्पेशल नाश्ता है, तो आप लोग इसको ज़रूर बनाएं और हमें अपनी फीडबैक दें कि ये जो मिस्सी रोटी हमें आप लोगों के साथ शेयर की है ये आपको कैसी लगती है। क्योंकि वो लोग जो मतलब सुबह नाश्ते में पराठे खाते हैं, तो अब आप लोग इसको भी ट्राई करें और हमें बताएँ कि ये जो रोटी की रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है, क्योंकि पंजाब में बहुत लोग पसंद करते हैं, तो आप लोग इसको जरूर बनाएं। ये देखें, इसके साथ लस्सी भी, अचार भी, चाय के साथ भी आप खा सकते हैं। कलर भी चेंज हो गया है इसका, ये देखें आप, बेसन है इसके अंदर, तो फ्लेवर भी बहुत अच्छा होगा इसका और डिफरेंट हो जाएगा, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, खुश जायका और खुश कलर जो सी है, ये हमारी मिस्सी रोटी तैयार होगी। कई मेरे बहन भाइयों ने खाई भी होगी। देसी घी फ्रिज कहना, तो फ्रिज में रखा था, देखती हूँ ना मैं। तो व्यूअर्स, ये देखें आप, माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी शक्ल है, जौन सी वो आ गई है, मतलब कलर इसका चेंज हो गया और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह। इसमें जो चीज़ें डाली हैं उसकी वजह से ना जायका बहुत मज़े का बनेगा रोटी का। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी सीख गई है, ब्राउन ब्राउन सी कलर, ये देखिए इधर से भी। अब मैं इन्हें से ना रोटी को उतार रही हूँ, दूसरी रोटी डालती हूँ। अच्छा, तो आपने प्याज भी डालने हैं इसके अंदर? हाँ, प्याज डाल, मैंने कुछ ज़्यादा ही डालने हैं क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं प्याज। सही, तो एक रोटी का हम लोगों ने तो आधी की रोटी हम लोगों ने डाल दी है। जब ना मुंह में आएंगे ना प्याज तो बहुत अच्छे लगता है, क्रंची क्रंची से। हाँ जी, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े साइज के नहीं, वो आप लोग भी बड़े वो मैंने बरीक बरीक जैसे आमलेट अंडे में नहीं हम लोग डालते, ये मैंने देसी घी है। इस दफ़ा मैंने घी निकाला काफ़ी सारा, बच्ची से कट गया मलाई का घी, मैंने छान के रखा ना तो इसने ना वो बाल्टी उठा दी सारी, पता नहीं क्या करने लगी थी, क्या करने लगी थी, चाय बनाने आई थी और मैंने सोचा कि ये बेचारी बाल्टी को ऐसे मम्मा ने मतलब कवर किए बगैर रखा हुआ है, तो चलो मैं इसको कवर कर दूँ। वो हल्की सी थी बास्केट, वो उसके साथ लगी और सारी बाल्टी उलट गई और पूरा घी का नुकसान हो गया, भरी हुई घी की बाल्टी के लिए। तो मैंने इसे कहा, मैंने कहा तू फ्रिज में रखना था ये घी, तो तू तो डाल के ना रखती, थोड़ा सा और था तो वो मैंने कहा वो भी मैं डाल के ना तो फिर मैं कर लेती हूँ। इसने बेचारी ने नेकी की, इसे कहा नेकी सारा नुकसान हो गया, घी की भरी हुई बाल्टी, देसी घी की खालस घर का घी, वो मलाई का भी, वो भी हाँ गिर गया। माशाल्लाह कितनी प्यारी रोटियाँ बनी है, नीचे भी है रोटी इसके, ये भी। तो अब मैं ना मक्खन, ये घर का मक्खन है, ये देखें, साथ में लस्सी बनाई है आप, वो बता दें आप, वो प्योर देसी नाश्ता और नमकीन लस्सी, तो ये देखें जी, दही की लस्सी, ये है मिस्सी रोटियां, देसी नाश्ता, फुल देसी पंजाबी नाश्ता आज हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और रोटियां भी तैयार हो गई है, अचार भी हम लोगों ने रख दिया, मक्खन भी साथ हम लोगों ने रख दिया, गर्मा गर्म रोटी पे जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गया है। तो व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी आज की हमारी रेसिपी है जो पसंद आएगी, पसंद है तो हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें। तो ये साथ नमकीन लस्सी मम्मा ने तैयार की है और ये है फुल हमारा पंजाबी देसी नाश्ता। तो व्यूवर्स, आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें और हमें अपनी फीडबैक दें कि ये जो नाश्ता हमने आपके साथ शेयर किया आपको कैसा लगा है। तो व्यूवर्स, देते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे, लेकिन उससे पहले अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को क्योंकि इतना को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो व्यूवर्स, आप लोग हमें दुआ में याद रखिएगा, हम आप लोगों के लिए दुआगो हैं। अल्लाह हाफिज़।